उन्होंने तो बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खरीदने का प्रयास किया और बड़े बड़े टोटके मोटके भी किए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सहानुभूति प्रकट करता हूँ उनके प्रति, और लगभग अब मैं समझता हूँ उनका संन्यास लेने का समय है और उनको संन्यास लेना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आने पर देहरादून के सभी कार्यकर्ता बहन भाई बहनों ने जिस तरीके का उत्साह मुझे दिखाया है, इससे मैं काफी प्रभावित हुआ हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतना सम्मान मुझे दिया है। और पूरे प्रदेश में देश की जनता ने जिस प्रकार से जनादेश दिया है, वो निश्चित रूप से एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर सबने आस्था व्यक्त की है, उनके कामों पर आस्था व्यक्त की है, और विशेष रूप से महिलाओं ने बहुत जबरदस्त उत्साह इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिखाया है। मैं उन माँ बहनों को भी आभार प्रकट करता हूँ, जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ, कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट करता हूँ, और एक नए युग का आरंभ दोबारा से सरकार बना के हमने किया है, और ये सरकार लगातार उत्तराखंड में बनी रहे और उत्तराखंड में अच्छे काम हों, ये मैं सबसे वादा करता हूँ। अब किसने भीतरघात किया ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, उन्होंने तो बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खरीदने का प्रयास किया और बड़े बड़े टोटके मोटके भी किए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सहानुभूति प्रकट करता हूँ उनके प्रति, और लगभग अब मैं समझता हूँ उनका संन्यास लेने का समय है और उनको संन्यास लेना चाहिए।